सो दोस्तों फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं ये मिनिमम जो 24 मीटर रोड है जो दो पॉकेट को डिवाइड करती है। 2C का ऑलरेडी मैं वीडियो आपको दिखा चुका हूं, अब अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे जाकर आप 2C का वीडियो आप देख पाएंगे। और अभी मैं रिसेंटली बात करने वाला हूं पॉकेट 3B के बारे में। तो 3B में ऑलरेडी काफी ज्यादा यहां पे प्लॉट की डिमार्केशन वगैरह इनका तो सारा काम कर दिया अथॉरिटी ने, आप देख सकते हैं नए नए बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं। तो ये डिमार्केशन वाला जो काम है यहां पर ऑलरेडी करा चुके हैं अथॉरिटी, लेकिन अभी इसमें भी वही है कि इलेक्ट्रिसिटी की लाइन देखो आप सामने पोल देख पाएंगे, ये लाइन तो बिछ चुकी है। अब जैसे ही कनेक्शन स्टार्ट होगा फिर इसमें बाहर आ जाएगी। सेक्टर 18 है ये, फुली डेवलप आपको देखने को मिलेगा नियर बाय गौरेमना सिटी। आपको नियर बाय मार्केट जो चाहिए गौरेमना सिटी के मार्केट कर सकते हैं, धनकोर की मार्केट कर सकते हैं। तो लोकेशन इन सेक्टर 18 वाले जितने भी पॉकेट पड़ेंगे इनकी काफी अच्छी है। सेक्टर 20 में जो वो टाइम लगेगा, ये देखिए 2C में भी मकान बनना शुरू हो गए और पॉकेट 3B, ये 3B भी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लॉट की डिमार्केशन वगैरह सब कुछ एकदम कंप्लीट है। बाकी सामने 3A शुरू हो जाएगा, 3A और 3B। तो मैं अभी कोशिश करूंगा अगर यहाँ पे ये रोड सही होगा, मुझे नहीं लगता ये रोड आगे से भी बंद है। तो देखो ये डिस्प्यूट वाला जो एरिया था, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि हर पॉकेट के अंदर जो भी डिस्प्यूट है वो आप दिखाइए। तो 3A और 3B का डेवलपमेंट ऑलरेडी आप देख लीजिए, प्लॉट की डिमार्केशन वगैरह तो अथॉरिटी कर रही है अच्छे तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं अभी बहुत काम इसमें भी पेंडिंग है। जैसे कि अभी इलेक्ट्रिसिटी पोल वो भी इंस्टॉल नहीं करे गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वैसे ही लगी, जो मिट्टी देख रहे हो आप रोड पे ये उसी लाइन की बिछी हुई है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो कंप्लीशन तो वैसे लोगों ने यार शुरू ही कर दिया है आप देख सकते हैं। तो अगर आप कोई भी डिटेल में जानना चाहते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्री करा के या फिर आप रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तब भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बेस्ट कंप्लीशन रेट भी लेना चाहते हैं तब भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अपनी जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक तो अपने पास टीम है जो ऑलरेडी काफी अच्छा गौरेमना सिटी में भी काफी 10 से 15 विला बना चुकी है अपनी टीम, और उसके बावजूद यहाँ पे यमुना में भी एक दो कंप्लीशन बना चुकी है। और सेकंड थिंग एक वो वाली बात बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे अपना सारा काम अपना ही है, जैसे कि हार्डवेयर सैनिटरी पेंट्स की शॉप अपनी भी है, तो मेरा खुद का बिजनेस है ये हार्डवेयर सैनिटरी पेंट वगैरह का। तो ये आपको काफी अच्छी सपोर्ट मिल जाती है एक ही जगह से। और मिर्जापुर विलेज में ही अपना गोडाउन बनाया हुआ है मैंने, और धनकोर तिरंगा चौक के पास में अपना शॉप बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे आपका मन है कि भाई कंस्ट्रक्शन कराना है या फिर किसी भी तरीके से, तो आपको देखो हर चीज की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। आप चाहते हैं कि भाई हम वहां पे रह के अपना कंप्लीशन बनवाएं या फिर मकान बनवाएं, तो वो सुविधा भी आपको हमारे पास मिल जाएगी, आपको मकान भी रहने के लिए मिल जाएगा जब तक आपका मकान कंप्लीट नहीं होगा। तो यार इस तरीके की सपोर्ट देखो एक यहाँ का आसपास का बंदा ही दे सकता है। अब कहीं ना कहीं आप जाओगे यहाँ पे रेंट पे लोगे चीजें, अगर आप खुद देखना चाहते हैं कि हाँ भाई हमारा जो मकान है वो हमारे आंखों के सामने ही हो सारा काम, तो वो भी आप कर सकते हैं हमारे साथ। तो आप स्क्रीन पे मेरे नंबर दे रखे हैं, तो आप स्क्रीन पे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी प्लॉट का आप रेट की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम जो रेट है वो कम से कम 1 करोड़ 20 लाख रुपए से स्टार्टिंग है। अभी ऑलमोस्ट यहाँ पे धीरे धीरे जो रेट है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब यार या बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी करते हैं ये ब्रो हम जैसे ब्रोकर ने रेट बढ़ाए, देखो ये हमने नहीं बढ़ाए, ये बड़े बड़े फाइनेंसर ने बढ़ाए जो ऑलरेडी बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। अब ये देख रहे हो 3A में भी लगातार आपको कंप्लीशन दिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने एक साथ बने हुए हैं। तो ये डेवलपमेंट भी ये है कि भाई ये लोग भी इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो यहाँ पे वर्क करेंगे अपना, जैसे कि सामने आप कॉन्ट्रेक्टर का कंप्लीशन देख रहे हैं, ये लोग भी ऑलरेडी पहले से ही अपना काम धाम जमा के बैठे हैं कि भाई कहीं ना कहीं इनको भी काम करना पड़ेगा। अब सामने देख सकते हो आप ये रहा फिर से किसान का डिस्प्यूट इस पॉकेट में भी। वैसे तो इस एरिया की वीडियो मैं काफी बार बना चुका हूं, आप देख पाएंगे ये भी कंप्लीशन है 38 नंबर का। तो 38 नंबर ये कंप्लीशन बन के कंप्लीट है, सामने भी कंप्लीशन बन रहा है आप देख पाएंगे। सो दोस्तों ये सेक्टर 18 की बात करें तो यार काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है सेक्टर 18। तो यार बहुत सारे लोग जो कमेंट करते हैं ना कि यार ये बहुत ही ज्यादा रेट हो चुका है, बहुत ही ज्यादा बजट हो चुका है अब इसमें, अब ये हमारे बजट में नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं बार बार हर वीडियो में ये ऑप्शन देता हूं, आप आइए ऑफिस पे विजिट करिए, उसके बाद आप एरिया देखिए
किसान से मिलिए या फिर जिस तरीके की आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे जिस तरीके की यहाँ पे प्लानिंग करके अपना सिटी बनाएगा उस हिसाब से प्रॉपर्टी कोई भी, चाहे वो आबादी की लैंड है चाहे वो किसान कोटा प्लॉट है, तो कहीं ना कहीं उसके रेट भी बराबर बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप देख पाएंगे 300 मीटर के भी इतना रेट हो चुका है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेचारे जिनको इस बजट में नहीं खरीद पा रहे हैं, तो उनके लिए काफी अच्छे अच्छे मल्टीपल ऑप्शन भी हैं अपने पास। या तो आप एग्रीकल्चर लैंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, प्रॉपर्टी अगर सेफ हो, प्रॉपर्टी सिक्योर होनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट अच्छा होना चाहिए, तो रिटर्न तो डेफिनेटली आपको ईडा की प्रॉपर्टी देगी देगी। अभी पॉकेट 3D भी स्टार्ट हो गया, इस वीडियो के माध्यम से देखो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो ये कंप्लीशन वगैरह सब कुछ आपको दिख जाएगा, प्लॉट के डिमार्केशन के पोल भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो 30 सेक्टर 18 में इसलिए ज्यादा वर्क कर रही है कि यहाँ पे किसानों का जो डिस्प्यूट था वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्पीड में खत्म कर दिया है। 3D प्लॉट नंबर 173 से 186, लेकिन ये लाइन पूरी क्लियर नहीं होगी, सामने देख पाएंगे डिस्प्यूट, ठीक है। तो ये हर पॉकेट के अंदर डिस्प्यूट मिलेगा, लेकिन आपको वैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जो ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं या फिर खरीदना चाहते हैं कि भाई ये सेफ है या अनसेफ है। एकदम सेफ प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है, सारा डेवलपमेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी करेगी, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। ट्रांसफर रजिस्ट्री सब चीज इसमें ओके होती है, तो इसमें कोई रिस्क वाली बात ही नहीं है। अब रिस्क से बात आती है किसान कोटा प्लॉट में, तो उसमें बहुत सारे लोगों का यार क्वेश्चन भी होता है, बात भी सही है, क्वेश्चन होना भी चाहिए उनका कि बाद में किसान रजिस्ट्री करेगा या नहीं करेगा। देखो मैं बहुत सारे ब्रोकर आपको ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल क्लियर नहीं बता पाते हैं, लेकिन मैं अपना कोई ऐसा वो नहीं है कि कुछ चीजें छुपा के काम करूं या फिर मैं बिल्कुल अपना जो वर्क करता हूं वो बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंसी में करता हूं, ताकि एंगेजमेंट रहे अपने लोगों के साथ, मतलब एक दिल से अटैचमेंट हो जाती है, तो उनको यार धोखे में नहीं रख सकते। मेरा मानना यही है, अगर हमको लॉन्ग टाइम तक काम करना है ना, तो लोगों को एंगेज करना पड़ेगा, उनको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा और उनको सही एक डायरेक्शन और नॉलेज देनी पड़ेगी, तभी हम ये लॉन्ग टाइम के लिए रिलेशन बना पाएंगे। बहुत सारे लोग जो वो एडिट करके नक्शा 11 भी एडिट कर देंगे, फिर उसके बाद रजिस्ट्री भी दिखा देंगे, उसका लेटर भी दिखा देंगे, तो वो सारा फर्जीवाड़ा है। आप उन लोगों से बच कर रहें, क्योंकि कोई भी अभी 7% प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं है। अगर आपको दे रहा है कि ये मौके पे लग चुका है, मैप पे लग चुका है, अलॉटमेंट लेटर आ चुका है, तो वो सरासर गलत कह रहा है, क्योंकि उसकी रजिस्ट्री वगैरह ओपन नहीं है। तो ये सारा जो गेम खेल रहे हैं ये मोटे मोटे फाइनेंसर हैं, जो किसान से अपना प्लॉट उठा लेते हैं अपना पैसा दे करके, और फिर उस पर अपना मनमर्जी रेट के हिसाब से सेल करते हैं। तो मैं आपको जेन्युइनली अगर किसान वाला रेट बताऊं, तो सेक्टर 18-20 के अंदर 15,000 से स्टार्टिंग होगा, जो कि जेन्युइन किसान होगा, जेन्युइन रेट पे ही सेल करेगा, ध्यान रखना। क्योंकि अपने गांव में ही कम से कम 1,000-2,000 डीलर होंगे अपने गांव के आसपास की, जो लोकल मेरे नेटवर्क में होंगे, तो वही लोग हैं, एक दूसरे के घर में सबसे संपर्क होता है, सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इसी वजह से रेट को जेन्युइन पता होती है कि भाई जेन्युइन रेट तो ये है। बाकी जो ब्रोकर होते हैं जो आपको डॉक्यूमेंट ज्यादा दिखा देते हैं, जैसे कि मैप पे भी लग गया जी, उस पे भी लग गया लेटर भी, आरक्षण पत्र भी आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। सेक्टर 18-20 के अंदर अभी डिस्प्यूट खत्म नहीं हुआ है, आरक्षण लेटर कहां से आ जाएगा? 64% मुआवजा क्लियर नहीं है, उसके बाद बात कर रहे हो कि यहां पे आरक्षण पत्र भी आ चुके हैं, तो वो टोटली साइबर कैफे पे जाके टोटल गेम होती है, वो टोटली गलत है। बाकी सेक्टर 18 का आप यहाँ पे देख पाएंगे कितना तगड़ा डेवलपमेंट चल रहा है, यहाँ पे कंप्लीशन वगैरह, ये जे ब्लॉक आई ब्लॉक, तो देखो ये जगह लगती भी है कि हाँ वे रहने लगे। अब यहाँ पे डिस्प्यूट था इन्होंने, लेकिन रोड वगैरह क्लियर करके यहाँ पे जो अछेजा विलेज है उसके किसानों का डिस्प्यूट यहाँ पे खत्म कर दिया, तो कहीं ना कहीं उनको भी क्लियर करके यहाँ पे अपना कंपनसेशन वगैरह जो भी इशू था उनका वो क्लियर कर दिया, तो उन्होंने कब्जा भी दे दिया, तो साथ के साथ देसी भी मशीनें वगैरह ये अथॉरिटी के आ चुके हैं और यहाँ पे डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया है। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाकी आप इसमें ऑलरेडी 18-20 दोनों का डेवलपमेंट में दिखा चुका हूं, तो यार अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जब तक सपोर्ट नहीं होगा तब तक मुझे भी इंटरेस्ट नहीं होगा काम करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफी यहाँ पे जैसे में सब्सक्राइबर भी थे, सब्सक्राइबर नहीं कहूंगा, वो एक फैमिली मेंबर ही थे, बिल्कुल यूट्यूब फैमिली मेंबर थे वो, तो उनके काम की वजह से ना थोड़ा सा मैं एक
महीने से बिजी चल रहा था क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कम से कम 5 से 7 प्लॉट लिए थे, कुछ 7% आबादी के, कुछ यहाँ पे तो 6 से 7 प्लॉट लिए थे, मैं उसी वजह से बिजी चल रहा था, तो कहीं ना कहीं एक भी वीडियो नहीं डल पा रही थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ और एक नए पॉकेट के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, थैंक यू सो मच, बाय।